हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अभी दो हेडफोन्स है फिलहाल। अभी ईयरबड्स जो है दोनों कौन से तो दोनों का कंपैरिजन होने वाला है। सबसे पहले तो ये है मीवी की K7 एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है कमांडो X9, दोनों के दोनों मीवी के हैं। अब दोनों में कंपैरिजन करने वाली खास बात क्या है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे इन दोनों का बहुत से लोगों को कंपैरिजन देखना था कि किस तरीके से दोनों काम करते हैं। दोनों मीवी के ही है वैसे तो, इसे मैंने यहाँ पे बाहर निकाल के रखा हुआ है एंड ये बॉक्स के अंदर ही है अभी तक ये ईयरबड्स। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर भी लाइट्स लग जाता है, ये काफ़ी बढ़िया सा लगता है, एलिगेंट सा लगता है एंड इस केस के ऊपर भी आपको लाइटिंग फीचर मिल जाती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इसे बंद करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये जो लाइटिंग है ना, ये लाइटिंग वाला फीचर आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है एंड वो मिलता है आपको K9 में। ओके, तो ये जो K9 नहीं X9 में मिलता है, कमांडो X9 के अंदर आपको ये फीचर मिल जाता है। अभी अगर आप इस केस की बात करोगे तो ये यार बहुत ज़्यादा सिंपल लग जाती है, इसके अंदर ऐसा लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं है। उसके साथ में ये जो है ईयरबड्स, ये इसके है आपको, जो इसके K7 के ईयरबड्स है, ये मीवी के K7 के हैं। ओके, और ये है कमांडो X9 का। तो कमांडो X9 में आपको एक तो इस ईयरबड के ऊपर ही लाइटिंग देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है यार दोस्तों, काफ़ी बढ़िया लग जाता है। दो लाइट्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं ब्लू कलर्स के, ब्लिंकिंग होते रहते हैं। एंड उस केस में अगर इसके अलावा अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस आपको मेटेलिक फिनिश मिल जाता है ईयरबड्स के ऊपर, और कुछ नहीं मिलता। लेकिन देखिए, अगर आपको मेटेलिक फिनिश से इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, और अगर आपको मेटेलिक फिनिश ना हो तो भी चल जाता है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। अब ये इसके अंदर मेटेलिक फिनिश नहीं है, लेकिन जो डिज़ाइन है, ओवरऑल जो ब्लैक लुक है इसका, वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट मुझे लगता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा लुक पसंद है, कौन से लुक के लिए आपको जाना है एंड उस हिसाब से फिर आप इसमें जा सकते हो। अभी अगर मैं बात करूँ कि इसके साउंड प्लेबैक की, सबसे पहली चीज़ दोनों के अंदर जो है बेस की क्वालिटी अगर बोलोगे तो काफ़ी बढ़िया है। बेस क्वालिटी दोनों में, बेस क्वालिटी ज़बरदस्त है एंड ऑडियो क्वालिटी भी जो है इसके भी बढ़िया है, इसके भी बढ़िया है। तो ऑडियो क्वालिटी में मुझे ज़्यादा कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई दोनों में। हाँ, मेन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो केस पूरा का पूरा केस ही चेंज है, ये लगभग आपका थोड़ा स्क्वेयर रेक्टेंगल शेप में आ जाता है, ये ऊपर से लाइटिंग भी मिल जाती है आपको RGB लाइट्स। अगर आप इसके फ़ैन हो RGB के, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस पे जा सकते हो ये वाली चीज़ों पे। लेकिन अगर आपको RGB से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको एक सर्कुलर टाइप स्पेरिकल टाइप अगर आपको चाहिए, तो फिर आप मीवी के इस वाले ईयरबड्स के आसपास जा सकते हो। ओके, ये ओपन करने में भी थोड़ा सा दिक्कत देते हैं मुझे, ये ऐसे जल्दी से ओपन नहीं हो पाता। देखिए, अब अगर मैं इसे एक हाथ से ओपन करना चाहूँ तो ये ओपन नहीं होगा। अब उस केस में अगर आप ये कमांडो देखोगे तो ये इजीली ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये ऐसे इजीली ओपन हो जाता है। एंड ये लाइटिंग यार मुझे बहुत ज़्यादा तो अट्रैक्ट करता है कि ये लाइटिंग एंड ऊपर से भी ये जो मीवी का सिंबल लिखा हुआ है, जो भी ब्लिंक यहाँ पे करता रहता है, तो वो अट्रैक्टिव है। अभी यहाँ पे दोनों में से सबसे ज़्यादा चलता कौन है, वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो चलने में अगर आप देखोगे ना तो ये वाला सबसे ज़्यादा चल जाता है। अभी चलने में इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक कौन बैकअप आपको देता है, तो ये लगभग 72 आवर्स का बैकअप आपको देता है, ऐसा क्लेम किया जाता है। तो एग्जैक्टली अभी कितना मिलता है वो तो हमें यूज़ करने के बाद पता चल जाएगा। एंड उसके साथ साथ ये जो है वो लगभग 50 आवर्स के आसपास का आपको मिल जाता है इसके अंदर। वो एक डिफरेंस रहेगा कि ये थोड़ा सा आपको कम टाइम प्रोवाइड करता है, ये आपको ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करता है एंड इसका क्वालिटी भी अच्छा है, इसका RGB फीचर भी इसके अंदर है। ये आपको 60 आवर्स का स्टैंड बाई टाइम देता है, लेकिन स्टैंड बाई टाइम से ज़्यादा तो हमें यूजिंग टाइम चाहिए। तो यूजिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वो इसके अंदर ज़्यादा मिल जाती है X9 के अंदर। ठीक है, अब रही बात कि आपको ये वाला लेना चाहिए K7 वाला या फिर कमांडो X9 वाला, देखो ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरी पर्सनल चॉइस क्या रहेगी इन दोनों में से, तो आई विल गो विथ कमांडो X9। ठीक है, अब कमांडो X9 के जाने के साथ देखिए, अभी इसके अंदर जो जो फीचर्स है ना, वो सभी फीचर्स इसके अंदर आपको लगभग मिल ही जाएगा। इसके अंदर भी आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलेगा, इसके अंदर भी आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलेगा। लेकिन जो इसे स्टैंड आउट करता है वो है इसका ओवरऑल डिज़ाइन, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, प्लस इसकी RGB लाइटिंग जो TWS में आती है हमारी। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड इसकी जो लेटेंसी है ना, वो लेटेंसी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब हम लो लेटेंसी में काफ़ी बढ़िया सा काम कर सकते हैं, अल्ट्रा लो लेटेंसी जो हम इसे कहते हैं वो। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप फीचर्स वाइज देखोगे तो कमांडो X9 में के अंदर क्या क्या मिल जाता है, 35 ms लो लेटेंसी जो मैंने आपको जस्ट बताया। इसके अंदर आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाता है, वो भी कॉर्ड माइक के साथ में। लेटेस्ट 5.3 वो तो आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा मीवी के अंदर। उसके साथ में आपको यहाँ पे क्या चीज़ है, प्राउड मेड इन इंडिया, ठीक है गाइस। IP स्वेट प्रूफ भी है, कस्टमाइज आप यहाँ पे कर सकते हो आपके RGB पैटर्न्स को। सॉलिड सुपर सॉलिड बेस का पावरफुल बेस आपको वहाँ पे मिल जाता है। जी हाँ, वो तो है, जैसे मैंने आपको बताया कि बेस वापस सब ज़बरदस्त बेस आपको वहाँ पे देखने मिलता है। अब यहाँ पे देखिए,
ये K7 का है और ये कमांडो X9 का है। तो इसके फीचर्स की अगर आप देखो यहाँ पे, तो इसके अंदर ऐसे क्या फीचर्स है अलग, देखिए 5.3 है, ठीक है, यहाँ पे भी 5.3 है, तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर डिफरेंस नहीं है ब्लूटूथ के अगर वर्जन की मैं बात करूँ तो। अब इसके अंदर क्या है कि ऑल क्लियर कॉल विथ AI, ठीक है, एंड बेस वगैरह सब सेम है। तो मतलब दोनों के अंदर डिफरेंस तो वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि इसकी केसिंग थोड़ी सी अलग सी है एंड काफ़ी एलिगेंट सी केसिंग है इसके अंदर हमें देखने मिलती है। तो वही एलिगेंट सी केसिंग के लिए अगर आपको चाहिए, अगर आपको RGB लाइट पैटर्न पसंद है तो आप उसके अंदर जा सकते हो कमांडो X9 के साथ। अगर आपको RGB लाइट पसंद नहीं है तो फिर आप यहाँ से जा सकते हो मीवी के साथ। लेकिन हाँ, ओपनिंग में ये थोड़ा सा दिक्कत देता है और ये इजीली ओपन हो जाता है। वैसे दोनों का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको जो पसंद आता है वो आप परचेसिंग कर सकते हो।